पाकिस्तान में अपना पराक्रम दिखाकर वापस लौटे अभिनंदन का जादू देश भर में छाया हुआ है। कोई अभिनंदन के स्टाइल के मूछे बनवा रहा है तो कोई अपने बच्चों का नाम अभिनंदन रख रहा है, लेकिन इंदौर में कुछ अलग ही हुआ। यहाँ एक दूल्हे ने अपने हाथों पर अभिनंदन के नाम की मेहंदी लगाई है। शुभम जाट ने इसके लिए बाकायदा अपनी दुल्हन से परमिशन भी ली, जिसके लिए दुल्हन ने तत्काल हामी भर दी। शुभम की माने तो देश के युवाओं को अभिनंदन के शौर्य से सीख लेने की जरूरत है। मैंने काफी सोचा कि यार मतलब हमारे सैनिक इतना कुछ करते हैं, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और इस तरह के मतलब हरकतें जो होती हैं उससे काफ़ी दुखद होता है। हम किसी भी कहीं भी बैठे होते तो एक सोच आती है कि यार हमारे सैनिक अपना घर परिवार छोड़ के हमारे लिए बॉर्डर पर दिन रात दिवाली अपने त्योहारों छोड़ के हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो मैंने अपनी मेहंदी के जरिए युवाओं को मैसेज दिया है कि जब तक हर युवा अपनी मेहंदी अपने किसी भी अपने सैनिकों को सर्वोपरि नहीं रखेगा, तब तक पाकिस्तान को ये समझ नहीं आएगा कि हर युवा भारत का पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है और उनकी नापाक हरकतों को बंद कराना चाहता है। तो युवा देश की प्रेरणा होते हैं, तो हर युवाओं से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जितना हो सके आपके दिल में भावना हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं सैनिकों के लिए प्रकट करें और उनका हौसला बढ़ाएं। 10 मार्च को होने वाली शादी की चर्चाओं के साथ ग्राम रिंग नोदिया में अभिनंदन वाली मेहंदी की चर्चाएं भी जोरों पर है, जो युवाओं में देशभक्ति का अलग जगा रही हैं। वाकई अपनी शादी में जीवन संगनी की जगह देश प्रेम देखकर सेना को सम्मान देने की चौतरफा चर्चा हो रही है। अब जरूरत है सभी को इसी तरह सेना को सम्मान देने की। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।